हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है वंदित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल टेक्नो वंदित। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ, हमारे एक पिछले वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था हमारे लिए, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आज के इस टाइम में जहाँ पर हर चीज ऑनलाइन हो रही हो, तो वहाँ पर हमारे दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स और सेकंड नंबर पर स्टोरेज की प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आज इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरे डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने इन सारे सॉल्यूशंस को दिए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट लिख देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम हमारे अपडेट्स तक जुड़े रहो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा इशू आता है नेटवर्क का। तो नेटवर्क के इशू में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और YouTube पे ढेरों वीडियोस पड़े जहाँ पर वो बताते हैं कि नेटवर्क की जो नेम है उसको चेंज कर दो, वहाँ पे IPv4 सेटिंग्स को चेंज कर दो, तब ही नेटवर्क की स्पीड एनहेंस हो जाएगी। पर ये सब फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। तो नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के मेरे पास दो टिप्स है, तरीके नहीं टिप्स है, उन टिप्स को मैं आपको बताऊँ। टिप नंबर वन, सबसे पहले तो आप जैसे कि कोई भी एक एप्लीकेशन रन करो, जैसे कि आपकी क्लासेस चल रही जूम पर, तो जूम पर क्लासेस के वक्त आपकी बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क को एक्सेस करती है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है और अदर एप्लीकेशंस जो नेटवर्क को एक्सेस करती हो, तो उन एप्लीकेशंस को शट डाउन कर दी, सिर्फ और सिर्फ जूम चालू रखिए जहाँ जो आपको सिंगल एप्लीकेशन नेटवर्क को एक्सेस करती हो। उससे होगा क्या, जो पहले आपके नेटवर्क यदि 5 एप्लीकेशंस में डिवाइड होता था, वो आप एक ही एप्लीकेशन में रन होगा, तो वहां पर आपकी एनर्जी की स्पीड थोड़ी एनहेंस्ड होती है। सेकंड नंबर पे आता है कि मान लो आपकी जो नेटवर्क की स्पीड अच्छे से चल रही है और एकदम से नेटवर्क की स्पीड ड्रॉप हो जाती है, मतलब कोई चीज रन होते होते एकदम से ड्रॉप हो जाती है, तो वहां पर हमारे पास सॉल्यूशन आता है एरोप्लेन मोड का। आपके मोबाइल में एरोप्लेन मोड का ऑप्शन होता है, तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो एक 2 सेकंड के लिए एरोप्लेन मोड को ऑन रखिए और 2 से 3 सेकंड बाद उसको वापस ऑफ कर दीजिए। तो आज से होगा कि आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है वो एनहेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 टिप्स थे जिससे आप नेटवर्क की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और टिप नंबर 3, जिसको मैंने प्रैक्टिकली किया तो नहीं है, पर इसके बारे में मैंने रिसर्च जरूर किया है, और ये सिर्फ जियो मोबाइल जियो सर्विसेज के लिए है। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर जो कॉल सेंटर था उनको फ़ोन लगाकर उनको कॉल कर आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे जैसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस जैसे गूगल है, यूट्यूब है, जूम है, इनको वो बोल सकते हैं कि हमारे इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में आप जो नेटवर्क की स्पीड है वो फास्ट कर दीजिए। तो वहाँ पर जो सर्विस सेंटर पे जो प्रोवाइडर बैठा रहेगा वो आपकी मोबाइल में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है वो फास्ट कर देगा। अब मैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास जियो की कोई सिम नहीं है और मैंने इसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया है, पर जहाँ तक मेरी रिसर्च है ये काम करता है। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2, जहाँ पर हम बात करेंगे स्टोरेज। तो आज के इस टाइम में हमारे पास स्टोरेज की बहुत शॉर्टेज होती है, जैसे कि मोबाइल में भी मतलब लिमिटेड स्टोरेज होती है 16 GB 32 GB। तो वहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्टोरेज को कैसे बढ़ाएं, कैसे एनहेंस करें। अब यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप वहाँ पर एक्सटर्नल डिस्क लगाकर स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, पर मोबाइल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ गूगल ड्राइव का ऑप्शन। गूगल ड्राइव का ऑप्शन बहुत ही सही और बहुत इफेक्टिव तरीका है। यहाँ पर अगर हम हमारे जैसे आपके पास आज के टाइम पे ईमेल आईडी सबके पास बनी भी रहेगी, तो आपको हमारे क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव सर्च करना है। गूगल ड्राइव का सर्च करने या तो फिर आप काम कर सकते हैं अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव प्लस गूगल फोटोज ये एप्लीकेशन भी लगभग हर मोबाइल में इंस्टॉल होती है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो करेगा क्या, अब फोटोज तो अनलिमिटेड आप फोटोज में सेव कर सकते हैं, पर यहाँ पर गूगल ड्राइव में आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास भी 15 GB तक आप गूगल ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपको फ्री स्टोरेज मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए पर आपको पैसे नहीं भर रहे, तो यहाँ पर मैं आपके पास सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन क्या है कि जैसे सबसे पहले तो अपने जो ओरिजिनल जीमेल अकाउंट है वहाँ से आप गूगल ड्राइव पे साइनअप कीजिए। साइनअप करने के बाद आपके पास 15 GB तक का डेटा स्टोर करने के लिए अवेलेबल है, तो वो अगर स्टोर कम्प्लीट हो जाए, यदि आपके पास 15 GB तक यूज हो जाए उसके बाद का सॉल्यूशन,
अब कई लोगों को मन में सवाल आता है कि हम यहाँ पर स्टोर करें कैसे, तो आप अपने मोबाइल पर या फिर ये पीसी पर, मैं अभी आपको पीसीस दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। तो पीसी पर आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा या फिर वो अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपके पास बहुत से ऑप्शन आ गए। या तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने सामान मतलब जो भी फोल्डर्स उनको रख सकते हो, या तो फिर अपने पीसी से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल का अपलोडिंग चालू किया और मैंने कोई भी सिलेक्ट करके और जैसे आर्ट है तो उसको सिलेक्ट करके मैंने उसका एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जो art.py ये मेरे पाइथन की फाइल इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वहाँ पर मेरे गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुकी है और मैं आपको कभी भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे art.py की जो फाइल है मेरी यहाँ पर अपलोडेड हो चुकी है, तो इन चीज़ों को मैं कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब जैसे कि हमें एक नया फाइल एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, गूगल ड्राइव पर ही हम नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन होते गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स। तो हम जो भी रिसेंटली हमारे स्कूल में जो हमें फॉर्म चलते हैं जैसे कि क्वेश्चन पेपर फिलअप करने के, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म से वो बनाते हैं और उन्हीं से हम ये पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ गूगल फॉर्म का। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं गूगल डॉक्स से, गूगल शीट्स के। यहाँ पर हम अपने सारे डेटास को एंटर करके सेव भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव में उसी वक्त। और प्लस यहाँ पर अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं फोल्डर बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से। तो टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एक्सेस भी कर पाएंगे। जैसे कि टेस्ट का फोल्डर है यहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं, अब यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, और मोड्स में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ढेरों ऑप्शन आते हैं अपलोड करने के लिए, जैसे कि फोटो एडिटर। और यहाँ पर आप अपने जो भी गूगल ड्राइव में जो डॉक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट्स, उनको भी यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, प्लस एडिट भी कर सकते हैं। तो ये है गूगल ड्राइव की कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बतानी थी। अच्छा, अब प्रॉब्लम आती है कि यदि हमारा 15 GB का स्टोरेज फुल हो जाए तब हम क्या करें। तो तब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम एक नई जीमेल आईडी बनाएं। काम हमारे इसी जीमेल पर होगा, नई जीमेल आईडी को बार बार एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक नई जीमेल आईडी बनानी है। जैसे कि मैंने एक जीमेल आईडी बना रखी रॉकी सिंह के नाम से। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पर मैं अनदर अकाउंट पे जाता हूँ, ऐड अनदर अकाउंट गूगल ड्राइव में, और यहाँ पर मैंने रॉकी सिंह के नाम से एक नई जीमेल आईडी बना रखी है। तो मैं इसी को ही क्लिक करके और नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने नई जीमेल आईडी बनाई तो ये एक नया जीमेल आईडी खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं काम क्या करूँगा कि जैसे कि ये मेरा रॉकी सिंह का ही आ गया, अब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर 15 GB की स्टोरेज फिर से नई स्टोरेज मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। ठीक है, जैसे मैं अपलोड करता हूँ एक फाइल में, यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ कॉन्फिग के नाम से, फाइल पड़ी मेरे पास, तो ये अपलोड हो रही है। तो ये अपलोड हो जाने के बाद अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को हम हमारे ओरिजिनल जीमेल अकाउंट से एक्सेस कर सकें, तो हम कैसे करेंगे। तो इस फाइल पे क्लिक करना है और वहां पर हमें शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर का ऑप्शन करने के बाद हमें यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है, जो ओरिजिनल जीमेल आईडी है, उसको आपको लिखना है। मैं लिखता हूँ मेरा ओरिजिनल जीमेल आईडी vandit.barola@gmail.com आ गया। उस पर क्लिक करके आपको सेंड का ऑप्शन करना है। तो यहाँ पर आपकी इस जीमेल जो रॉकी सिंह के नाम से मेरी जीमेल है, जो उसके जो गूगल ड्राइव में जो स्टोरेज पड़ी है वो शेयर हो गई है मेरे स्टोर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मिनट में खोल लेता हूँ अपना स्टोर, तो माय ड्राइव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इधर शेयर विद मी का ऑप्शन आएगा। शेयर विद मी के ऑप्शन में आपकी config.py जो मैंने वहां पर किया था यहाँ पर शेयर हो चुका है और आपकी इसमें स्टोरेज बढ़ेगी भी नहीं, आपकी शेयर भी हो गया, आप इससे इधर से इसको एक्सेस भी कर सकते हो, प्लस आपकी जो स्टोरेज है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी। मतलब जो स्टोरेज है उसकी जो लिमिट है, लिमिट जो खत्म हो जाती है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है जहाँ पर आप अनलिमिटेड, अब जैसे अभी 30 GB भर गई तो एक नई जीमेल आईडी खोल सकते हो अकाउंट और वहाँ से आप और 15 GB एक्सटेंड कर सकते हो। तो यदि आपको फ्री वर्जन में ही अनलिमिटेड डेटा स्टोर करवाना है तो गूगल ड्राइव प्लस गूगल फोटोज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सीखने को जरूर कुछ मिला होगा और जो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा होगा उसको इसका आंसर मिल चुका होगा। तो ठीक है गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें
मैं आपको मोबाइल प्लस लैपटॉप में कौन कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए जिससे आपकी मोबाइल की स्पीड एनहेंस हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, काम करती है फिर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इधर ही बिता लेते हैं इस वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना और घर पर रहना, सेफ रहना।